नमस्कार मित्रों, गुज खबर में फरी एक बार आप सर्वे मित्रों स्वागत है। मित्रों, आज ना मोटा समाचार ऊपर नजर करिए तो भारत की प्रथम नेजल कोरोना वैक्सीन जो नाक द्वारा आपवामां आवे छे ते मित्रों 26 जानुआरी ना रोज लॉन्च थवानी छे। कंपनी ना चेरमेन और मैनेजिंग डिरेक्टर कृष्ण एलाए आ अंगे माहिती आपी छे। त्यारे भारत बायोटेके आ वैक्सीन की तैयारी पण करी छे। चीन में कोरोना ना वधता कहर वच्चे गत वर्षे 23 डिसेम्बर ना रोज भारत सरकारे आ रसी ने मंजूरी आपी थी। त्यारे कंपनी आ रसी सरकार ने प्रति सौ 325 रुपया में आपशे अने खानगी रसीकरण केन्द्रों ने 800 रुपया प्रति शोटना भावे वेचाण करशे। तो हवे तैयार थई जजो, फरी एक वार ठंडी ने लईने आगाही करवामां आवी छे। फरी एक वार मुश्किली वधवानी छे। उत्तर भारत में हवामान फरी बगड़वा जरूर छे। हवामान विभागे उत्तर भारतना घणा राज्यों नी अंदर 24 जान्युआरी अने 25 जान्युआरी ना रोज वरसादनी आगाही करी छे। अने विभागना जणाव्या मुजब वेस्टर्न डिस्टर्बन्स ने कारणे उत्तर भारतना हवामानमां तीव्र फेरफार जोवा मळी शके छे। त्यारे 23 जान्युआरी थी पहाड़ी विस्तारमां ठंडी वधशे तेवी पण आगाही करी छे, जेनी सीधी ज असर मैदानी विस्तारमां पण जोवा मळशे। अने हाल थोड़ा दिवस ठंडीथी कोई पण राहत नथी मळवानी। तो आ तरफ टीवी चैनलों की अंदर बागेश्वर बाबा ना चमत्कार की चर्चाओं थी रही है। बागेश्वर बाबाए तमाम पत्रकारों की सामे मित्रों चमत्कार करीने बतायो छे। पत्रकारों की हाजरी में चमत्कार कर्या छे। त्यारे मित्रों हवे जोशी मठना जे स्वामी छे तेमणे बागेश्वर बाबा सामे पड़कार मूक्यो छे कि जो तमे जोशी मठ में चमत्कार करीने बताओ तो अमे तमारू फूलोथी स्वागत करवाना छे। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष पीठना जे शंकराचार्य स्वामी छे अविमुक्ते स्वरानंद सरस्वती तेमणे बागेश्वर धामना पंडित मित्रों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंगे प्रतिक्रिया आपी छे। अने तेमणे कह्युं छे के जे लोको चमत्कार बतावे छे जो ते तेमना जोशी मठना घरों में तिराड़ों ने चमत्कार थी भरी दे तो तेओ तेमनुं फूलोथी स्वागत करशे। अने मित्रों स्वामी अविमुक्ता मुंदे एम पण कह्युं के अमे तेमना स्वागत में फूलो पाथरीशुं। अमारा मठ में अमारा घरों में तिराड़ो आवी गई छे तेने तमे भरी दो। रेशन कार्ड धारकों ने चा अने दूध जेवी वस्तुओं पण आपवामां आवशे। हाल देश में मोंघवारी वधी जता सरकारे गरीब परिवारों ने तेल मकाई बाजरो चा अने दूध जेवी जीवन जरूरियातनी वस्तु आपवानी मोटी विचारणा करी छे। जेमां रेशन कार्ड धारकों ने 80 रुपयाना भावनी जे 250 ग्राम चा मळे छे ते मात्र 50 रुपयामां आपवानी मोटी विचारणा करी छे। अने आ उपरांत रेशन कार्ड धारकों ने 10 रुपयाना भावे 500 ग्राम दूधनी थैली आपवानी मोटी विचारणा करी छे। आम राज्यना 70 लाख रेशन कार्ड धारकों ने चा अने दूध आपवा बाबते मोटी चर्चा हाथ धरवामां आवी छे। तो आज रात्रे 8 वाग्याथी 13 कलाक सुधी वोडाफोन आइडियानी सर्विस बंद रहेवानी छे। देशनी त्रीजी सौथी मोटी टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडियाना ग्राहकों माटे मोटा समाचार आव्या छे। कंपनीए तेना प्रीपेड ग्राहकों माटे एक एलर्ट जाहेर कर्युं छे अने कंपनी तेना दरेक ग्राहकों ने संदेश मोकलीने जाण करी छे। तेनी प्रीपेड सर्विस 13 कलाक माटे बंद रहेवानी छे अने आ सेवा 22 जान्युआरी रात्रे 8 वाग्याथी बंद रहेशे अने 23 जान्युआरी सवारे 9:30 सुधी आ सर्विस बंद रहेवानी छे। તેથી આ સમય દરમિયાન કોઈ પણ ગ્રાહકો પોતાના ફોનનું રિચાર્જ કરી શકશે નહીં। તો કંપનીએ સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરવા માટે મિત્રો આ મોટો નિર્ણય કર્યો છે। તો ગુજકેટની પરીક્ષાને લઈને એક મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે। ગુજકેટની પરીક્ષાની રજિસ્ટ્રેશનની તારીખ લંબાવી દેવામાં આવી છે। અગાઉ જે 20 જાન્યુઆરી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ હતી તેને લંબાવીને હવે 25 જાન્યુઆરી સુધી કરી દેવામાં આવી છે। વિદ્યાર્થીઓ 25 જાન્યુઆરી સુધી રજિસ્ટ્રેશન કરી શકે છે, જેથી મિત્રો ગુજકેટની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને આ સમાચાર મોકલી દેજો। ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખુશ ખબર આવી છે। ગુજરાતમાં જંત્રી દરને લઈને મોટા સમાચાર આવ્યા છે। રાજ્ય સરકારે જાન્યુઆરી 2023માં જંત્રી સર્વેની કામગીરી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેને લઈને મહેસૂલ વિભાગે સ્ટોક હોલ્ડર સાથે મિટિંગ યોજીને તેમના સૂચનો મેળવવા માટે તમામ કલેક્ટરોને સૂચના પણ આપી છે। હવે 11 વર્ષ બાદ નવી જંત્રી અમલમાં આવશે અને નવી જંત્રીનો અમલ કરતા પહેલા તેના દર સુધારવા માટે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ્સ દ્વારા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે।